टीम इंडिया ना हो जैसे कोई रूठी हुई गर्लफ्रेंड हो के हर कुछ टाइम बाद पाकिस्तान को मनाने जाना पड़ता है, कभी एशिया कप हो तो मनाना पड़ता है कि आओ खेलो हमारे मुल्क में, लेकिन नहीं आए और हाइब्रिड मॉडल अपनाया और एक बार फिर अब चैंपियंस ट्रॉफी जो 2025 है उसके लिए फिर से ये सारी बातें शुरू होगी, फिर मनाने की कोशिशें हो रही, लेकिन अब डिफरेंट किस्म के रूमर्स उड़ रहे हैं, कोई मीडिया चैनल कुछ कह रहा है, कोई यूट्यूबर कुछ बोल रहा है, तो हर एक की अपनी अपनी राय, हर एक का अपना अपना ओपिनियन वो लोगों के दिलों में डाल रहे हैं और कुछ नेगेटिव हैं जो लोगों के दिलों में दोनों मुल्कों में नफरतें डाल रहे हैं, कुछ पॉजिटिव हैं जो अच्छा पैगाम पहुंचाना चाहते हैं दोनों मुल्कों की तरफ से। और देखिए राजीव शुक्ला का जो लास्ट ऑफिशियल स्टेटमेंट आया था वो मई 2024 में आया था, जहां पर उन्होंने कहा कि हम अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से डिस्कस करेंगे, अगर उनकी मर्जी हुई, अगर उन्होंने अलाउ किया तो टीम इंडिया जरूर आएगी, लेकिन अगर उनकी मर्जी ना हुई तो फिर नहीं आएगी। और उसके बाद काफी बातें चली तब से लेके मई से लेके अभी तक, हर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने अपना मंजन बेचने की कोशिश की, नेगेटिव रूमर्स पॉजिटिव रूमर्स, आएगी टीम इंडिया, आएगी पाकिस्तान, टीम इंडिया नहीं आएगी पाकिस्तान, ये सारी बातें चलती रही। और आखिरकार राजीव शुक्ला का कल फिर से एक स्टेटमेंट आया जहां उन्होंने साफ तौर पे इनकार किया कि हमने इस बारे में कोई ऑफिशियल बात नहीं की किसी से भी, और साफ इनकार किया और हैरान भी हुए कि यार ये मीडिया, इंडियन मीडिया को ये इस किस्म की न्यूज़ देता कौन है जो ये स्प्रेड हो रही है। बाकी देखिए चैंपियंस ट्रॉफी आईसीसी का इवेंट है और ये आईसीसी की जिम्मेदारी है कि वो इंडिया से बात करे, इंडिया से पूछे कि अगर वो आना चाहते हैं वो नहीं आना चाहते, ये सारी जो सरदर्दी है वो टीम इंडिया की है, वो पीसीबी की नहीं है, जो सारी ये कोऑर्डिनेशन होगी वो बीसीसीआई की आईसीसी से होनी है, वो बीसीसीआई और पीसीबी की कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होनी, कोई कम्युनिकेशन नहीं होनी। और वैसे भी अभी कुछ दिनों में एजीएम की मीटिंग है जो कोलंबो श्रीलंका में है, तो वहां भी मोहसिन नकवी साहब जो पीसीबी चेयरमैन है वो, उनकी मुलाकात होगी जय शाह के साथ, तो होपफुली उस मीटिंग में, क्योंकि काफी जो जो 2024 का वर्ल्ड कप वेस्टइंडीज और यूएसए वाला गुजरा है उसमें क्या गलतियां की, क्या इम्प्रूवमेंट्स और लानी चाहिए, इन सारी बातों पे डिस्कशन होगी। और फिर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 उस पर भी बात होगी कि क्या इंडिया आना चाहता है और कौन कौन आना चाहता है, क्योंकि डिफरेंट सब बोर्ड्स और भी होंगे वहां पर मौजूद, चांसेस हैं कि अफगानिस्तान भी उनकी तरह से इनकार कर दे। हालांकि देखें जब ऑस्ट्रेलिया के साथ अफगानिस्तान की सीरीज होनी थी तो ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया था कोई रीजन देके, वो विमेन क्रिकेट से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट थी उनकी, तो ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हेल्प की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि ठीक है हम आके खेलते हैं, तो वो शारजा में सीरीज हुई थी। तो बाकी हमारे जो ताल्लुकात हैं अफगानिस्तान के साथ वो बड़े अच्छे थे, लेकिन ये अब जो क्लैशेस चल रहे हैं, जैसे अब एक राइवलरी स्टार्ट करने की कोशिश की जा रही है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के, लेकिन वो होनी भी चाहिए। देखें वो ये ऐसी राइवलरी जो एक लिमिट के अंदर हो वो क्रिकेट की ग्रोथ के लिए बड़ा हेल्दी होता है, अगर आप अपनी लिमिट्स क्रॉस करके उस राइवलरी को एक्स्ट्रा लेके जाते तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं, मुल्कों के लिए नहीं अच्छी, क्योंकि लोगों के दिलों में नफरतें आ जाती हैं, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। और यहाँ एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि मुझे नहीं पता कि इंडियन मीडिया, इंडियन जर्नलिस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट इतनी नफरत वाली बातें क्यों कर रहे हैं, क्यों अपने लोगों के अंदर इस तरह की नेगेटिविटी फीड कर रहे हैं, क्योंकि मैं दुबई में रहता हूँ, ये तमाम मीडिया वाले, तमाम जर्नलिस्ट, ये सब मेरे दोस्त हैं, मेरी सबसे बातचीत होती है, और ये जब दुबई आते हैं बड़ी अच्छे तरीके से हम मिलते हैं, हमारा टाइम स्पेंड होता है, खाना वाना भी होता है, तो कभी दिलों में नफरतें रख के हम लोग नहीं मिले, तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ जब इनको मैं देखता हूँ कि ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो जो समझ आती है मुझे वो यही है कि ये सब व्यूज और रेटिंग के चक्कर हैं, ये व्यूज लेने के लिए, देखें व्यूज तो आप ले लेते हो, रेटिंग्स तो आपकी आ जाती हैं, लेकिन आप जो आपके मुल्क की आवाम है उसके दिमाग में क्या फीड कर रहे हो वो मैटर करता है, आप नफरत फीड कर रहे हो। देखें यहाँ पर बहुत से लोग इंडिया से आते हैं, हम रहते भी हैं साथ, इंडियन पाकिस्तानी, मेरे बहुत से दोस्त यहाँ दुबई में इंडियंस हैं, तो हम बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो जो नए आते हैं तो वो जब हमारे साथ घुलते मिलते हैं तो अक्सर तो यही कहते हैं, कहते हैं यार आप लोग तो बहुत अच्छे हो, हम बिल्कुल एक जैसे हैं, दोनों मुल्क के लोग खाते एक जैसे हैं, हम बात एक जैसी करते हैं, कल्चर हमारा तकरीबन एक जैसा है, तो क्योंकि जब वो इंडिया में होते हैं तो कुछ डिफरेंट सोचते हैं, बड़ा नेगेटिव चीज़ें उनके दिमाग में डाली जाती हैं,
और वो जब यहाँ आते हैं तो एक डिफरेंट उनका माइंड सेट हो जाता है, उनका दिमाग चेंज हो जाता है, क्योंकि उनको जब हमारे साथ रहते हैं या पाकिस्तानी इंडियन के साथ रहता है या इंडियन पाकिस्तानी के साथ रहता है तो उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो चेंज हो जाता है, वो डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि हम रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे की, बड़े अच्छे से मिलते हैं। एक तो मैं इन यूट्यूबर से बड़ा हैरान होता हूँ कि हर एक ने फैक्ट की दुकान खोली हुई है, जैसे हर एक बोल रहा था कि मैंने मेरे वसूख के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ, मेरे जराए ने मुझे बताया, मेरे सोर्सेस ने मुझे बताया, मैं बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूँ। उधर से इंडियन मीडिया कह रहा होता है कि सवाल ही नहीं पैदा होता, इंडिया टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी, उधर से पाकिस्तानी लगे होते हैं कि इंडिया को हर हाल में आना पड़ेगा, नहीं तो किसी दूसरी टीम को ऐड कर लेंगे। देखें, ये सारी फजूल की बातें हैं, इसमें कोई हकीकत नहीं, कोई सच्चाई नहीं, क्योंकि अभी तक ना तो ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई आईसीसी की तरफ से आया, ना बीसीसीआई ने कोई इस पे बात की, ना पीसीबी ने कोई अपनी राय इसमें डाली। तो ये सारे अपना अपना जो मंजन बेचने के चक्रों में पड़े हैं, तो इनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं, बिल्कुल जिम्मेदारी उठा रहे होते हैं। मेरा तो मानना है कि इन्हें तो कारा लेना थी, जिम्मेदारी नहीं चुकते थे कि ये मुल्क की जिम्मेदारी की बात कर रहे हैं। और यहाँ एक बात और सच है कि ये आईसीसी का इवेंट है और आईसीसी की मर्जी चलनी है। अगर आईसीसी ये फैसला कर लेता है कि ये जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो हाइब्रिड मॉडल पे होगी तो पीसीबी कुछ भी नहीं कर सकता, पीसीबी को मानना पड़ेगा। और अगर आईसीसी चाहे तो ये होस्टिंग राइट पाकिस्तान से ले भी सकता है। देखिए, अगर हाइब्रिड मॉडल हुआ तो हाँ, पाकिस्तान कर तो कुछ नहीं सकेगा अभी, लेकिन ये है कि फिर आने वाले जो आईसीसी के इवेंट्स होंगे, जैसे वर्ल्ड कप आ रहा है इंडिया में और श्रीलंका में होगा, तो ये जो इवेंट्स होंगे इसमें फिर पाकिस्तान भी नहीं जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर आप नहीं आना चाहते कोई भी मुल्क, तो उसको अपनी गवर्नमेंट की तरफ से एक लेटर सबमिट करना पड़ता है कि डिफरेंट किस्म के वो बात हो सकती है उसमें, तो उस वजह से आईसीसी वो उसको मान लेता है और वो हाइब्रिड मॉडल पे आ जाता है, या तो वो इवेंट ही वहां से शिफ्ट करा दिया जाता है। अगर हम एग्जाम्पल है 2009 की, जिम्बाब्वे और इंग्लैंड के उस टाइम इश्यूज थे और जिम्बाब्वे ने नहीं किया इंग्लैंड वर्ल्ड कप 2009 में। देखिए, आईसीसी हाइब्रिड मॉडल बिल्कुल कर सकता है, लेकिन ग्रुप स्टेज के जो मैचेस हैं उसमें आप खेल सकते हो। अगर पाकिस्तान और इंडिया दोनों को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में डाल देते हैं तो वो सारे मैचेस तो हो जाएंगे, लेकिन वहां आके बात फंसेगी जब इनमें से टीम्स दोनों अगर सेमीफाइनल या फाइनल में आ जाती हैं, तो वहां पर आईसीसी क्या करेगा? क्योंकि आईसीसी के चार्टर में भी ये बात अभी तक नहीं है, इसका कोई सलूशन अभी तक नहीं है कि अगर फाइनल में या सेमीफाइनल में इन दोनों टीमों का आपस में टकराव हुआ तो फिर क्या करेंगे? फिर क्या वो होस्ट कंट्री में होगा, चाहे वो क्या वो बाहर किसी मुल्क में होगा? जैसे अब यूएई को कंसिडर किया जा रहा है, खलीज टाइम ने भी, यूएई का जो एक बड़ा न्यूज़पेपर है, उन्होंने भी ये खबर शाया की कि यूएई कंसीडर किया जा रहा है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। लेकिन देखें, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी करने में या उसको रखने में कोई बुराई नहीं है। अगर आईसीसी यूएई के साथ बातचीत कर रहा है, जो कि अभी तक एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने डिनाई किया है, हम कोई इस तरह की डिस्कशन चल नहीं रही, लेकिन अगर होती भी है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी हमेशा रेडी होना चाहिए। अगर यहाँ नहीं हो सका तो हम वहां खेलेंगे, बारिश होगी, मौसम खराब हो गया, तूफान आ गया, कुछ भी कोई भी इश्यू हो सकता है, तो उस पे आपका बैकअप हमेशा रेडी होना चाहिए। और जो लोग सोच रहे हैं कि आईसीसी के चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, पाकिस्तान बड़ा पैसा कमाएगा, बड़ा रेवेन्यू जनरेट होगा, बड़ा फायदा होगा, तो मैं उनको ये बताता चलूं कि इस इवेंट का पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं होगा, ये आईसीसी का इवेंट है, फायदा आईसीसी को होता है, सारा रेवेन्यू आईसीसी जनरेट करता है और फिर वो बाद में इसको अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट करता है होस्ट के साथ, मेंबर्स के साथ, स्पॉन्सर के साथ। लेकिन हाँ, इकोनॉमिक बूस्ट जरूर मिलता है होस्ट कंट्री को, जैसे फ्लाइट्स होगी, होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, ये सब बिजी हो जाते हैं और फिर इनके रेट्स भी बढ़ जाते हैं। जैसे अगर मैंने लास्ट अपना ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड कप कवर किया था, तो वहां पर भी जब हम जो हमें $80, $90, $100 की जो फ्लाइट थी वो हमें $500-$500, $800 की पड़ी थी। फिर जो घर $100 का पर नाइट था वो आपको $400-$400, $300-$300। सेम ये अमेरिका में भी हुआ, ये 2024 के वर्ल्ड कप में महंगा हो जाता है सब कुछ, इवन वेस्ट इंडीज में भी ऐसा ही हुआ, हर चीज महंगी हो जाती है। तो हाँ, इकोनॉमिक बूस्ट जरूर मिलता है। अगर इंडिया कहता कि हम पाकिस्तान नहीं आते क्योंकि हालात नहीं ठीक, हम वहां पर सिक्योर नहीं है, तो फिर मैं अगर बताता जाऊं कि इंग्लैंड की टीम आ चुकी है, ऑस्ट्रेलिया की टीम आ चुकी है, न्यूजीलैंड की टीम आ चुकी है, वेस्ट इंडीज आ चुका है, जिम्बाब्वे आ चुका है, बांग्लादेश अभी फिर से आ रहा है,
साउथ अफ्रीका आना चाह रहा है। तो देखें ये सब टीम क्योंकि सेफ मुल्क है इसीलिए ये सब टीम आई है और फिर आना चाह रही है दोबारा। और अगर कहते हैं कि हमारे पॉलिटिकल हालात नहीं ठीक, हमारे जो बॉर्डर में मसले हो रहे हैं उस वो एक रीजन है, जो हमारे जवान मारे जा रहे हैं, तो देखें वो दोनों एंड से मारे जा रहे हैं। और मैं ज्यादा पॉलिटिकल चीज में पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन आपके चाइना के साथ भी तो हालात खराब हैं, वहां भी तो आपके कुछ टर्म्स अच्छे नहीं है। तो फिर देखें बर्ताव रखना है तो फिर एक जैसा बर्ताव रखें, है ना। और फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर टीम इंडिया नहीं ट्रेवल करती पाकिस्तान तो श्रीलंका तैयार है, श्रीलंका के साथ श्रीलंका रिप्लेस कर देगी इंडिया को और इंडिया घर बैठ के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस एंजॉय करे। देखिए ऐसे कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल फजूल बात है, बिल्कुल बेबुनियाद बात है, बिल्कुल बचकाना बात है। तो देखिए जो मेन ब्रॉडकास्टर है वो इंडिया से है, वो स्टार स्पोर्ट्स है, उन्होंने $3 बिलियन सर्कल का पे किया हुआ है, इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर उन्हीं की टीम ना हुई तो उन्होंने कौन सी मार्केट से वो ये पैसा रिकवर करेंगे। इंडिया पाकिस्तान के मैच में वैसे भी कोई एक्स्ट्रा फाइनेंशियल एडवांटेज नहीं है, चाहे वो बीसीसीआई हो चाहे वो पीसीबी हो। अगर मैं ब्रॉडकास्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो आई बॉल का भी इतना कोई खासा फर्क नहीं है, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, चाहे वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया मैच हो, चाहे वो पाकिस्तान इंग्लैंड मैच हो। तो 10-12% का डिफरेंस ज्यादा से ज्यादा होता है, कोई मैसिव डिफरेंस नहीं है इसमें। हाँ अगर मैं एड्स की बात करूं तो एड्स में जो 10 सेकंड का एड है वो 25 से 30 लाख का ऑब्वियसली वो होता है, उसके रेट्स हाई होते हैं। नॉर्मल कोई मैच हो तो उसका शायद 8-9-7 लाख 10 सेकंड का होगा, लेकिन इंडिया पाकिस्तान के मैच का जो ये मेन डिफरेंस है कि एड्स की रेट्स जो है वो बहुत हाई होते हैं। और एंड में दोस्तों आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को लेके बस इतना ही कहूंगा कि तमाम मीडिया वाले जर्नलिस्ट अपने इतने दिलों की भड़ास निकाल रहे हैं सोशल मीडिया में, कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं, कुछ नेगेटिविटी फैला रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है, सच्चाई है कि अभी तक इस पर ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं आया, चाहे वो आईसीसी हो चाहे वो बीसीसीआई हो चाहे वो पीसीबी हो, कोई ऑफिशियल बात इस पे हुई नहीं। कुछ दिनों बाद तकरीबन 21-22 जुलाई को एजीएम की मीटिंग कोलंबो श्रीलंका में है, उसमें मोहसिन नकवी साहब भी होंगे, जय शाह भी होंगे, वहां उनकी मुलाकात होगी, वो जो बात होगी वो ऑफिशियल होगी, वो सामने आई जाएगी। बाकी अब तक ये सारी वीडियो में मेरी राय आपके सामने मैंने रख दी, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स की सूरत में जरूर बताइएगा। मेरी इस वीडियो में अब तक इतना ही, मेरी अगली वीडियो तक मैं फैसल कोकर साइनिंग आउट।